गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को राजकोट गेम जोन हादसे को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सख्त शब्दों में कहा कि घटना स्थल से सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। इस घटना का जिम्मेदार कौन है, कोर्ट को अब राज्य सरकार और सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा है। अदालत ने कहा कि क्या आप जो सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे थे, हमें अब सरकार पर भरोसा नहीं है। राजकोट के नाना मामा इलाके में 25 मई की शाम को टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लग गई थी। इस हादसे में 12 बच्चों समेत 35 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार गेमिंग जोन में वेंडिंग का काम चल रहा था, जिसके कारण आग लगी होगी, क्योंकि वहां भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए थे। इससे पहले रविवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राजकोट अग्निकांड को मानव निर्मित आपदा करार दिया। न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव और न्यायमूर्ति देवन देसाई की पीठ ने कहा कि इस तरह के गेमिंग जोन को मनोरंजक सुविधा सक्षम प्राधिकारियों से आवश्यक मंजूरी के लिए बिना बनाई गई है। पीठ ने यह भी पूछा कि कानून के किस प्रावधान के तहत इन गेमिंग जोनों को बनाया गया। इसी बीच राजकोट के बार एसोसिएशन की ओर से एक अहम फैसला सुनाया गया। टीआरपी गेम जोन में लगी आग के बाद यह फैसला लिया गया कि राजकोट में कोई भी वकील आरोपी की ओर से केस नहीं लड़ेगा। वहीं अगर मृतक के परिवार वालों को कोई वकील नियुक्त करना हो तो पीड़ित परिवारों का केस मुफ्त में लड़ा जाएगा।